जय जगन्नाथ सांग माने आज आम ओडिशा रो आईआरबी एवं ओएसएपी उपर किछि ओडिशा जीके क्वेश्चन डिस्कशन करिबा जो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु बहुत बहुत इंपोर्टेंट रहूछि। देखन सांग माने आज रो वीडियो रे आपण माने केवल देखिबा को पाइबे ओडिशा रो नेशनल पार्क जहाँ को आम कही पारिबा जातीय उद्यान एवं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बा वन्यजंतु अभयारण्य उपर केवल आपण माने क्वेश्चन देखिबा को पाइबे। देखंतु बहुत पिलांकर जे कि कमेंट थिला सर क्वेश्चन टी केउ लैंग्वेज रे आसीबो तो आपण मानुको कहि रखुछि क्वेश्चन टी दुईटी लैंग्वेज रे आसीबो गोटी होउछि आम मातृभाषा ओडिया एवं आ गोटे इंग्लीश ओडिया एवं इंग्लीश लांगुएज रे आईआरबी ओएसएपी रे आमर क्वेश्चन पेपर आसीबो। ठीक अछि देखंतु वर्तमान टाइम रे आमर जे कि 1000 ओडिशा जिकर गोटे सीरीज चली जोटा कि आपण माने पार्ट वाइज पाई परिबे। आज आम पार्ट नंबर 21 डिस्कशन करिबा। ऑलरेडी मु आपण मानकु 20 गोटी पार्ट प्रोवाइड कर देछि जदि आपण माने देखी नांती आम प्लेलिस्ट रे विजिट करके देखि परिबे नचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मु आपण मानकु 20 गोटी वीडियो रो लिंक प्रोवाइड कर देबी। ठीक अछि जदि भी आपण मानकु यहार पीडीएफ दरकार आपण माने हम जीके ओडिशा टेलीग्राम चैनल हो बा व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होई कि यहार पीडीएफ टी को पाई परिबे। देखंतु ऑलरेडी मु आपण मानकु कहि रखिथिली आउ थरे भी मध्ये कहि दउची आपण माने पूर्वरु जो टेलीग्राम चैनल ले जॉइन होइथिले से टेलीग्राम चैनल ले किछि प्रॉब्लम आसीबारु आमे सेतिरे पीडीएफ अपलोड करि पारु नाउ सेति पई आमे गोटे नुवा टेलीग्राम चैनल खोलिचु जोथरे आपण माने जॉइन होइ जांतु एवं पीडीएफ पाई परिबे। ताहारो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अछि। पूर्वरु आपण माने जो टेलीग्राम चैनल लिंक होइथिले ताहारो लिंक बा से टेलीग्राम चैनल लिंक ऑलरेडी मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रु काटी कि नुवा टेलीग्राम चैनल लिंक प्रोवाइड करिछि आपण माने जाई कि जॉइन होई जांतु पीडीएफ आराम से पाई परिबे। ठीक अछि तेबे चालंतु आजर प्रथम क्वेश्चन टी को आमे आरंभ करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु जे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन टी कहिछि कि हाउ मेनी नेशनल पार्क आर देयर इन ओडिशा। ओडिशा रे वर्तमान केतोटी नेशनल पार्क अछि आपण माने कहबे ऑप्शन ए 2टी। ओडिशा रे 2टी नेशनल पार्क अछि। जदि पचार दबो से 2टी नेशनल पार्क रो ना कोन नोट करबा आरंभ कर दियंतु जा आपण को एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहूछि। देखंतु गोटिए होउछि हमर सिमिलीपाल नेशनल पार्क एवं आ गोटिए होउछि भितरकनिका नेशनल पार्क। इमेज प्रोवाइड करिछि आपण माने देखि पारथिबे ये होउछि भितरकनिका गोटिए नेशनल पार्क एवं आ गोटिए होउछि सिमिलीपाल नेशनल पार्क। एही 2टी नेशनल पार्क आम ओडिशा रे अवस्थित। क्लियर देखंतु जदि आपण को पचार दबो आम इंडिया ओडिशा रे तो समस्त जानिले 2टी नेशनल पार्क अछि। जदि पचारिबो इंडिया रे हमरो केतोटी नेशनल पार्क अछि ना आपण माने कबे आम भारत रे 106टी नेशनल पार्क अवस्थित। क्लियर बुझी पाइले जदि पचारिबो प्रथम नेशनल पार्क भारतर प्रथम नेशनल पार्क रो नाम कोन आम इंडिया रो प्रथम नेशनल पार्क रो नाम कोन समस्ते जानिचंती बा जदि भी जानिनाती नोट करंतु तार ना हेउची जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हेउची भारतर प्रथम नेशनल पार्क। जदि पचारिबो भारतर प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारतर केउ राज्य रे अवस्थित ना आपण माने कहबे उत्तराखंड। भारतर उत्तराखंड रे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अवस्थित जो नेशनल पार्क हेउची आम भारतर प्रथम नेशनल पार्क। क्लियर देखंतु ए जो पूर्वरु टिक्के पूर्वरु आपण मानंकु कहिली आम ओडिशा रे 2टी नेशनल पार्क गोटी हला भितरकनिका नेशनल पार्क एवं आ गोटी हला सिमिलीपाल नेशनल पार्क। एहा उपर मु पर्टिकुलर क्वेश्चन रखिछि सेतिक बेलुकु आमे डिस्कशन करिबा। वर्तमान जेतिक पॉइंट आपणंकु कहिली ताकु सब पूरा पॉइंट वाइज आपण माने नोट डाउन करके रखंतु। ठीक अछि तेबे चालंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 2। देखंतु क्वेश्चन टी कहूछि भितरकनिका नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन ह्यूज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। ये जो इमेज देखुचंती ये होची भितरकनिका नेशनल पार्क रो इमेज। ठीक अछि तो भितरकनिका नेशनल पार्क आम ओडिशा रो केउं डिस्ट्रिक्ट रे अछि ना आपण माने कहबे ऑप्शन ए केन्द्रापड़ा। ओडिशा रो केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रे भितरकनिका नेशनल पार्क अवस्थित। क्लियर जदि पचारिबो भितरकनिका को केउं क्षेत्र कुहा जाए भितरकनिका को केउ क्षेत्र कुहा जाए ना आपण माने कहबे शंख क्षेत्र जे कि हमर भितरकनिका को कुहा जाए। काहेकि ना एई टाइप रो क्वेश्चन एग्जाम रे आसुची आपण मानकर जदि बिलीव हेउनी जाय कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करंतु देखिबे हमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होबा नेशनल पार्क उपर कंपलसरी गुटी दुटी क्वेश्चन आसीबा कथा आसीथिबो। ठीक अछि जदि पचारिबो भितरकनिका को केबे गोटे नेशनल पार्क बोली डिक्लेयर करा गला बा भितरकनिका को केऊ वर्ष गोटे जातीय उद्यान रो मान्यता मिलिला ना आपण माने कहबे 1998 मसिया।
1998 मसीह भितरकनिका को गोटे जातीय उद्यान मान्यता मिलला। तापर देखूँ भितरकनिकाटा केवल जातीय उद्यान नुहे, ता सांग को भितरकनिका हूँ आमर गोटे वाइल्ड लाइफ सैंचुरी जहाँ को आम कहीपर भितरकनिका वन्यजंतु अभयारण्य। भितरकनिका को केबे वन्यजंतु अभयारण्यर मान्यता मिलला ना 1975 1975 वन्यजंतु अभयारण्यर मान्यता एवं 1998 नेशनल पार्क रो मान्यता। एवं भितरकनिका केबे रामसर साइट रे डिक्लार होइतिला बा भितरकनिका केबे रामसर कंजर्वेशन साइट रे डिक्लार होइतिला बा केबे स्थान पाइतिला ना आपण माने कहिबे 2002 भितरकनिका रामसर साइट कंजर्वेशन रे स्थान पाइतिला। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रो मान्यता पाइतिला 1975 रे, नेशनल पार्क रो मान्यता पाइतिला 1998 रे। भितरकनिकाटा केउठी अवस्थित क्वेश्चन टी पचारतिला ना आपण माने जानिले केन्द्रापड़ा, जो केन्द्रापड़ा को कहा जाए आमर शंख क्षेत्र बोली। ठीक अछि, बुझी पाइले? तेबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन नंबर 3 देखंतु, सिमिलीपाल नेशनल पार्क इज लोकेटेड हुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। ये जो इमेज देखुं ये हूँ सिमिलीपाल नेशनल पार्क पार्कर गोटे गेट जोटा कि क्वेश्चन टी पचारी सिमिलीपाल जातीय उद्यान आमर केउठी अवस्थित। करेक्ट आंसर कौन है ना आपण माने कहिबे ऑप्शन सी मयूरभंज। ओडिशा रो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट सिमिलीपाल नेशनल पार्क अवस्थित। देखंतु एही जो सिमिलीपाल रे बहुत सारा क्वेश्चन अछि, आमे गोटे गोटे करके सब ये डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे, जहाँ कह कौन करूँ ना पूरा पॉइंट वाइज नोट करूँ। प्रथम देखूँ सिमिलीपाल नेशनल पार्क जदि आपको पचार के गोटे नेशनल पार्क रो मान्यता पाई सिमिलीपाल के गोटे वाइल्ड लाइफ सैंचुरी मान्यता पाई तो आपण मैंने कौन कहे नोट करूँ। प्रथम नोट करूँ सिमिलीपाल नेशनल पार्क जातीय उद्यान मान्यता मिलला ना आपण माने कहिबे 1980 मसीह रे सिमिलीपाल को जातीय उद्यान रो मान्यता मिलला। प्रथम पॉइंट गला। सेकंड पॉइंट, सिमिलीपाल को केबे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रो मान्यता मिलला कौन कहिबे ना 1979 1979 रे वन्यजंतु अभयारण्य रो मान्यता मिलला एवं 1980 रे नेशनल पार्क रो मान्यता मिलला कहा को ना सिमिलीपाल को जोटा कि ओडिशा रो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित। क्लियर? तापर देखंतु सांग माने ए जो सिमिलीपाल कथा उठी माने ए जो सिमिलीपाल रु गोटे आमर ओडिशा रे नदी प्रवाहित होची जोटा कि सिमिलीपाल रु ओरिजिनेट होईची। तो आपन को क्वेश्चन पचारिब निम्नलिखित मानक मध्यरु केउ नदी सिमिलीपाल हिल रु ओरिजिनेट होईची ना आपण माने कहिबे बुढ़ा बलंग। नोट करंतु बुढ़ा बलंग नदी जे कि ओडिशा रो सिमिलीपाल हिल रु ओरिजिनेट होईची, जो बुढ़ा बलंग को आमे कहि पारिबा बलंग नदी। बुढ़ा बलंगर अन्य नाम कौन ना बलंग नदी होची बुढ़ा बलंगर अन्य नाम। एवं मने रखंतु बुढ़ा बलंग नदी आमर सिमिलीपाल हिल बा मयूरभंज रु ओरिजिनेट हैला। जदि पचारिब बुढ़ा बलंग नदी केउ डिस्ट्रिक्ट रे प्रवाहित होउची ना आपण माने कहिबे बालेश्वर, गोटी हैला बालेश्वर आ गोटी हैला मयूरभंज। जो डिस्ट्रिक्ट रु ओरिजिनेट हैला सेइटी प्रवाहित होउची एवं बालेश्वर रे भी मध्य ओडिशा रो दुईटी डिस्ट्रिक्ट रे प्रवाहित होउची। क्वेश्चन टी पचारिब बुढ़ा बलंग नदी ओडिशा रो केतोटी डिस्ट्रिक्ट रे प्रवाहित होउची ना आपण माने कहिबे दुईटी डिस्ट्रिक्ट, गोटी हैला बालेश्वर आ गोटी हैला मयूरभंज। ठीक अछि, बुझि पाइले? बहुत इम्पोर्टेंट आपण मानक पई ए क्वेश्चन रहउची। ठीक अछि, ऑलरेडी ओडिशा रो नदी उपरे ए क्वेश्चन टी प्रोवाइड करथली, जेहेतु आमर एठी गोट मयूरभंज कथा उठी माने आमे टिके डिस्कशन कर देले जोटा कि आपणकर रिविजन भी मध्य होइगला। ठीक अछि, देखंतु तापरे पूरा देखंतु जो माने भाबुथुबे कि आमे पूरा डीपली जाउचु, पूरा डीपली जाउने, पूरा हल्का हल्का क्वेश्चन आमे डिस्कशन करके जाउचे काहेकि ना एही क्वेश्चन गुडा को एग्जाम रे आसुची। ठीक अछि, तापर देखंतु ओडिशा रो सबुठारु बड़ वाटरफॉल बा आमे कहि परबा ओडिशा रो लार्जेस्ट वाटरफॉल कोठी अवस्थित ना मयूरभंज रे अवस्थित। से वाटरफॉल रो नाम कौन ना आपण माने कहिबे बरहेई पाणी वाटरफॉल। क्वेश्चन पचारिब बरहेई पाणी वाटरफॉल केउठी अवस्थित ना मयूरभंज रे अवस्थित। ठीक अछि, मन रहिला? एवं बरहेई पाणी वाटरफॉल डा आम इंडिया रो सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल, मन रखिथिबे बरहेई पाणी वाटरफॉल होउची ओडिशा रो हाईएस्ट वाटरफॉल, किंतु इंडिया कथा पचारिब माने आपण माने कहिबे इंडिया रो सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल होउची बरहेई पाणी वाटरफॉल। ताहाले
इंडिया जदि सेकेंड हाइएस्ट वाटरफल बरही पानी है तो मन भितर क्वेश्चन आसतु ताहले इंडिया रो हाइएस्ट वाटरफल नाम कौन ना आपण माने कहे कुंचिखाल वाटरफल कौन कहली नोट करूँ कुंचिखाल वाटरफल हेउची इंडिया रो हाइएस्ट वाटरफल जोटा कि कर्णाटक अवस्थित ठीक अच्छे क्वेश्चन टी पचारदेव इंडिया रो हाइएस्ट वाटरफल केउठी अवस्थित ना कर्णाटक अवस्थित सेकेंड हाइएस्ट वाटरफल कौटी अवस्थित ना ओडिशा रे अवस्थित ओडिशार कौटी ना मयूरभंज रे जहार ना हेउची बरहीपाणी वाटरफल क्लीअर बुझी पाइले जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलतु पूरा आज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क को आज पूरा पोस्टमार्टम आम करदे ठीक अच्छे सबू टिके टिके क्वेश्चन सबू आम आज डिस्कसन करदे एग्जामिनर जमी क्वेश्चन पचारिबा कथा पचारु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उपरे ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर फोर देखु भितरकणिका नेशनल पार्क केम इंटु एक्जिस्टेन्स देखु भितरकणिका केबे नेशनल पार्क रो मान्यता पाइला टिके पूर्वरु आपण मानको मु कहिके आइछि तो एहार आंसर टी आपण माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु ठीक अच्छे देखिबा केते पिला मने रखिछन्ति टिके पूर्वरु कहिके आसीछि ना नाही भितरकणिका केबे नेशनल पार्क रो मान्यता पाइला ठीक अच्छे जदि भी कहउछन्ति दुईटी ऑप्शन मु एटा आपणकर एलिमिनेट कर दउछि आउ दुईटी ऑप्शन रु ही आपण आंसर देबे ठीक अच्छे ऑप्शन ए एवं ऑप्शन डी यही दुटा काटिदेली यही बी एवं सी भितर आपणकर करेक्ट आंसर अच्छी आपण माने कमेंट करेंगे ठीक अच्छे नेशनल पार्क केबे भितरकनिका पाइला तेबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर फाइव हुईज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जी अल्सो नोन आज उषाकोठी सेंचुरी बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखु इमेज देखिपे बाघ बागुणी पूरा सोईंट ये ठीक अच्छे कहतु ओडिशा रो केउं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बा केउं वन्यजंतु अभयारण्य को आमे कही परिबा बा तार अन्य नाम हेउची उषाकोठी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोंतु उषाकोठी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केउं वन्यजंतु रो अन्य नाम करेक्ट आंसर कोन हेबो कोंतु कोन कहबे क्वेश्चन नंबर फाइव ना ऑप्शन बी बद्रमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख बुझी पाइले बद्रमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रो अन्य नाम हेउची उषाकोठी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इमेज रे भी मध्ये प्रोवाइड करिछि देखंतु उषाकोठी वन्यजंतु अभयारण्य बा बद्रमा ठीक अछि बद्रमा कहार अन्य नाम ना उषाकोठी रो अन्य नाम क्वेश्चन नंबर फाइव रो ऑप्शन बी हे जीवो करेक्ट आंसर जदि पचारिबो उषाकोठी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा रो केउ डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित ना आपण माने कहबे संबलपुर ओडिशा रो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट रे आमर उषाकोठी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अवस्थित क्लियर ऑप्शन ए रे देखुन संग माने ऑप्शन ए रे देखंतु गहिरमथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केउठी अवस्थित ना आपण माने कहबे केंद्रापड़ा ओडिशा रो केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रे गहिरमथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अछि जोटा कि 1997 रे मान्यता पाइथिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रो क्लियर सेमती देखंतु बाईसपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑप्शन सी बाईसपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौटी अच्छी ना आपण माने कहबे नयागढ़ नोट करूबे नयागढ़ रे बाईसपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अच्छी जदि पचारिबो बाईसपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कबे आमर गोटे वन्यजंतु अभयारण्य रो मान्यता पाइला ना आपण माने कहबे 1981 नोट करंतु 1981 पर्टिकुलर डेट भी मन रखंतु 6 मे 1981 रे बाईसपल्ली को गोटे वन्यजंतु अभयारण्य रो मान्यता प्रदान करा गला क्लियर ऑप्शन डी रे देखंतु भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑलरेडी कहि के आइछि केबे भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क नुए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1975 रे आमर मान्यता पाइला ठीक अछि बुझि पारिले जोटा कि केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित सब नोट करुछन्ति तो सांग माने एटी आपण को कहूँ कौ कौ डिस्ट्रिक्ट ओडिशा रो किए केऊ डिस्ट्रिक्ट रु वीडियो टिकु देखुछन्ति तो कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवे आमे देखि परिबा कि केते के कौ कौ डिस्ट्रिक्ट रे बा कौ कौ डिस्ट्रिक्ट रो आमर ए छोटो परिवार रे अछन्ति मेंबर ठीक अछि तेबे चलंतु क्वेश्चन नंबर 6 देखंतु हुइच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ ओडिशा हैज अ यूनिक फीचर ऑफ बीइंग ए टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क देखंतु क्वेश्चन टी कहू कि निम्नलिखित मानक मध्यरु कहार बा केउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केउ वन्यजंतु अभयारण्य रो गोटे स्पेसिफिक फीचर अछि जोटा कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टा गोटे टाइगर रिजर्व बा सेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोटे बायोस्फीयर रिजर्व बा सीए गोटे हेउची नेशनल पार्क बा आउ गोटे कहि परबा कोन टाइगर प्रोजेक्ट रो भी मान्यता ताकू मिलिछि केउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ना आपण माने कहबे ऑप्शन ए सिमिलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक अछि
शिमिलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होउची गोटे टाइगर रिजर्व गोटे बायोस्फीयर रिजर्व गोटे नेशनल पार्क। ठीक अच्छे गोटे क्वेश्चन रु आपणकर केते सारा क्वेश्चन आसुची आपण माने जानि पारुछंती जे कि क्वेश्चन नंबर 6 रो करेक्ट आंसर हे जीवो ऑप्शन ए। सब एटी जा कहू छी आपण माने नोट करंतु। प्रथमे आपण को क्वेश्चन टी पचारिबो शिमिलीपाल केबे टाइगर रिजर्व रो मान्यता पाइला तो कौन कहबे ना 1973 मसिया 1973 रे शिमिलीपाल टाइगर रिजर्व रो मान्यता पाइला एवं शिमिलीपाल केबे गोटे टाइगर रिजर्व रे डेजिग्नेटेड करा गला कथा पचारिले तो आपण माने कहबे 1956 रे शिमिलीपाल को गोटे आमर कहवाक गले डेजिग्नेटेड करा गला बा आमर घोषणा करा गला एवं जे कि 1973 रे सीए टाइगर रिजर्व रो मान्यता पाइला। क्लियर तापर देखंतु शिमिलीपाल केबे बायोस्फीयर रिजर्व और मान्यता पाइला ना 1994 बायोस्फीयर रिजर्व रो मान्यता पाइला। तापर पचारिबो शिमिलीपाल केबे नेशनल पार्क रो मान्यता पाइला ना 1980 रे नेशनल पार्क रो मान्यता पाइला एवं शिमिलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रो केबे मान्यता पाइला ना आपण माने कहिबे अमर 1979 रे अमर कौन ना वन्यजंतु अभयारण्य रो मान्यता पाइला। क्लियर बुझी पाइले केते क्वेश्चन बाहरला देखंतु गोटिए क्वेश्चन रो। ठीक अछि एई टाइप रो स्मार्ट स्टडी करिवे माने सिलेक्शन आपणकर पक्का। क्लियर क्वेश्चन नंबर 7 देखंतु द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अराउंड सातकोशिया गर गेट वाटर फॉर्म व्हिच रिवर इन ओडिशा। देखंतु क्वेश्चन टी कहउछि कि अमर जो सातकोशिया वन्यजंतु अभयारण्य टी रहिला सेटिक जो अमर पानी जो आमर केऊ नदी रु सातकोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बा सातकोशिया गर्कटा जे कि आमर वाटर पानी जे कि नौची। करेक्ट आंसर कोन हेबो तो आपण माने कहबे कोन ऑप्शन बी जे कि आमर महानदी रु सातकोशिया गर्क बा सातकोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जे कि पानी नौची। ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 7 रो ऑप्शन बी हे जीवो एठी करेक्ट आंसर। ठीक अछि बुझी पाइले सातकोशियाटा केउठी अवस्थित जदि पचारिबो ना आपण माने कहबे अनुगुल डिस्ट्रिक्ट अनुगुल डिस्ट्रिक्ट रे सातकोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीटा आमर अवस्थित। ठीक अछि जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलंतु। क्वेश्चन नंबर 8 देखंतु भितरकनिका वाज डिक्लेयर्ड हैज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द ईयर। भितरकनिका केबे गोटिए वन्यजंतु अभयारण्य रो मान्यता पाइथिला बा केबे डिक्लेयर करा जायथिला तो आपण माने कोन कहबे ऑप्शन बी 1975 रे। आउ भितरकनिका विषय रे तो आपण मानको सब डिस्कशन करै दै छी नेशनल पार्क 1900 केबे नेशनल पार्क केबे ना 1998 एवं रामसर साइट रे 2002 एवं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपण कहली 1975। क्वेश्चन नंबर 9 देखंतु व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एलोंग द सी कोस्ट ऑफ ओडिशा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन टी संग माने क्वेश्चन टी कोन कहिला ना निम्नलिखित मानक मध्यरु केउ वन्यजंतु अभयारण्य टी अमर अवस्थित कोउटी ना ओडिशा रो कोस्टल बा समुद्र उपकूलवर्ती एरिया रे केउ वन्यजंतु अभयारण्य अवस्थित। करेक्ट आंसर कोन हेबो कोंतु क्वेश्चन नंबर 9 रो ना ऑप्शन डी बालुखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बालुखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीटा आमर जे कि समुद्र उपकूलवर्ती अंचल रे अवस्थित। क्वेश्चन नंबर 9 रो ऑप्शन डी हे जीवो एठी करेक्ट आंसर। देखन संग माने एटी गुटी आपण मानक पई क्वेश्चन अछि क्वेश्चन नंबर 9 लेखि कि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु बालुखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीटा आमर ओडिसा रो केउ डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित। ठीक अछि एई वीडियो रे आपण माने जे कि 4 रु 5 टी क्वेश्चन मु आपण मानकु कहिबी जहार उत्तर आपण माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवे। ठीक अछि देखिबा केते पिला शेष जाय देखि कि कमेंट करूचंती भूल करो पछे किंतु कमेंट करंतु काहे कि ना वर्तमान भूल हेले हमर चलिबो भूल नु आमे ठीक जानि परिबा किंतु एग्जाम रे ठीक होबा दरकार वर्तमान भूल हेले आगु को हमर ठीक होबो। ठीक अछि जमा भी टेंशन नियंतनी जदि आपणकर भूल अछि मन भीतर भाबुचंती मु भूल कहबी मु कहिबिनी किछि असुविधा नै भूल कुवंतु भूल कहले ही आपण राइट आंसर पाइबे। ठीक अछि बालुखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केउठी अवस्थित आपण कमेंट करंतु। तापर देखंतु ऑप्शन ए रे सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्वेश्चन पचारिबो सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिसा रो केउ डिस्ट्रिक्ट रे अछि ना आपण माने कहबे नुआपड़ा ओडिसा रो नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट रे सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अवस्थित। सेमती देखंतु सातकोशिया गर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सातकोशियाटा आमर अनुगुल डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित। तापर बद्रमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोठी अवस्थित ना बद्रमा बा आमे आकु कहि परिबा उषाकोठी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जोटा कि आमर कहि परिबा कोठी ना संबलपुर
ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁରରେ ବଦ୍ରମା ବା ଉଷାକୋଠି, ସାତକୋଶିଆ ଅନୁଗୁଳ, ସୁନାବେଡ଼ା ବା ଆମର ନୂଆପଡ଼ାରେ ଅବସ୍ଥିତ। କ୍ଲିଅର, ବୁଝିପାରିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ, PDF ପାଇଁ ଜମା ବି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। PDF ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ଅଛି, ତା ଦେହରେ କୌଣସି PDF ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ଦେଖନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦକା ଡାମ୍ପରା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦକା ଡାମ୍ପରା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ନା ଆପଣମାନେ କହିବେ ଅପସନ୍ ଡି, ବୋଥ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି। ଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ବିରେ ଅଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର କଟକ। କଟକ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଲଗେଇକି ଚନ୍ଦକା ଡାମ୍ପରା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଅବସ୍ଥିତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10ର ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଯଦି ପଚାରିବ ଚନ୍ଦକା ଡାମ୍ପରା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ କେବେ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ବାଏ 1982, 1982ରେ ଚନ୍ଦକା ଡାମ୍ପରା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ଲିଅର, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11, ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? କ'ଣ କହିଲା ନା ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ସେଞ୍ଚୁରୀ, କେଉଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, ଇମେଜ୍ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ପକ୍ଷୀ ପୁରା ଫେମସ୍ ଆମର। କ'ଣ କହିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11? ଅପସନ୍ ବି, ଚିଲିକା ଲେକ୍ ବାର୍ଡ଼ ସେଞ୍ଚୁରୀ ହୁଇଚ୍ ବାର୍ଡ଼ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ବୁଝିପାରିଲେ, ଚିଲିକା ଲେକ୍ ବାର୍ଡ଼ ସେଞ୍ଚୁରୀ, ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଇ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ନା ଆପଣମାନେ କହିବେ ଚିଲିକା ଲେକ୍ ହେଉଛି ବା ଆମର ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଚିଲିକା ଲେକ୍ର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ। କ୍ଲିଅର, ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11ର ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଯଦି ପଚାରିବ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି, ନା ଆପଣମାନେ କହିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଚିଲିକାଟା ଆମର ଗଞ୍ଜାମରେ ଅବସ୍ଥିତ। କ୍ଲିଅର, ଗଞ୍ଜାମରେ ଅବସ୍ଥିତ, କିନ୍ତୁ ତିନିଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଫ୍ଲୋ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆମର କହିପାରିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପୁରୀ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଞ୍ଜାମ। ତିନୋଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଟଚ୍ କରିକି ଆମର ଚିଲିକା ଲେକ୍ଟା ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ, ଯେଉଁ ଚିଲିକାଟାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ। ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କ୍ଲିଅର, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ କ'ଣ ଏଠି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକିଏ ଖାଲି ହାଲକେଇକି ନେଇ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଚିଲିକା ଲେକ୍ କେବେ ଆମର ରାମସର ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇଥିଲା, ନା ଆପଣମାନେ କହିବେ 1981 ମସିହାରେ ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଆମର ରାମସର ୱେଟ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କନଜରଭେସନ୍ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଚିଲିକାଟା କେଉଁ ଆନିମଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ନା ଆପଣମାନେ କହିବେ ଚିଲିକାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଡଲଫିନ୍, ନା ଇରୁଆଡ଼ି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇରୁଆଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ଡଲଫିନ୍ ପାଇଁକି ଚିଲିକା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଚିଲିକାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଡଲଫିନ୍ ପାଇଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ନା ଆପଣମାନେ କହିବେ ଇରୁଆଡ଼ି ଡଲଫିନ୍ ପାଇଁକି ଚିଲିକା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏବଂ ଚିଲିକା କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯଦି ପଚାରିବ, ଚିଲିକା ଲେକ୍ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ଚିଲିକାଟା ଅବସ୍ଥିତ। କ୍ଲିଅର, ବୁଝିପାରିଲେ? ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12 ଦେଖନ୍ତୁ। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ମ୍ୟାରିନ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ମ୍ୟାରିନ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଅଛି, ତାହାର ନାଁ କ'ଣ? ମ୍ୟାରିନ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ କ'ଣ ପାଇଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଇମେଜ୍ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିବେଣି, ଓଲିଭ୍ ଲାଇଟ୍ଲି ସି ଟର୍ଟଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଯେ କି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ ତା'ର ନାଁ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଗହିରମଥା। ଗହିରମଥାରେ ଯେ କି ଓଲିଭ୍ ଲାଇଟ୍ରି ସି ଟର୍ଟଲ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପାଇଁକି ଗହିରମଥାଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯେ କି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ମ୍ୟାରିନ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ, ତା'ର ନାଁ ହେଉଛି ଗହିରମଥା ମ୍ୟାରିନ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ। କ୍ଲିଅର, ଗହିରମଥାକୁ କେବେ ମ୍ୟାରିନ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ବୋଲି ଡିକ୍ଲାର କରାଯାଇଥିଲା? ନା ଆପଣମାନେ କହିବେ 1997ରେ ଯେ କି ଡିକ୍ଲାର କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ଲିଅର, ବୁଝିପାରିଲେ? ଗହିରମଥାଟା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ, ନା ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେ କି ଗହିରମଥାଟା ଅବସ୍ଥିତ। କ୍ଲିଅର, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନଳବଣ। ନଳବଣଟା କେଉଁଠି, ନା ନଳବଣ ହେଉଛି ଆମର ଚିଲିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଭିତରକନିକାଟା ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଦେବ୍ରିଗଡ଼ଟା କେଉଁଠି, ନା ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଆମର ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। କ୍ଲିଅର, ପଚାରିଦେବ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଲୋକେଟେଡ଼ ବାଏ, ନା ଆପଣମାନେ କହିବେ ବରଗଡ଼। କ୍ଲିଅର,
क्वेश्चन नंबर 13 देखंतु, व्हिच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन ओडिशा लाइज एडजॉइनिंग टू उदंटी सेंचुरी ऑफ छत्तीसगढ़। देखंतु क्वेश्चन टी कहूँ क्यों वन्यजंतु अभयारण्य जे कि आमर आर्ड जॉइनिंग होउची बा जॉइंट जाय कि करूची छत्तीसगढ़ सहित, कौन करिवे छत्तीसगढ़ रो उदंटी सेंचुरी सहित कोउटा जे कि आमर आर्ड जॉइनिंग माने कौन जाय कि जॉइंट करूची आउ ये फाकु रहला ये फाकु रहला ए जॉइंट भागटा को आमे कहबा कौन आर्ड जॉइनिंग। ठीक अछि कोंतु ना आपण माने कहबे ऑप्शन ए सुनाबेढ़ा, सुनाबेढ़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आमर कहि परबा जे कि आर्ड जॉइनिंग करूची उदंटी सेंचुरी जोटा कि छत्तीसगढ़ रे अछि। क्वेश्चन नंबर 13 रो ऑप्शन ए हिजिव करेक्ट आंसर। सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केउठी अवस्थित ना ओडिशा रो नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित। सेमती हरदगड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केउठी अवस्थित ना आमर ओडिशा रो केन्दुझर रे जे कि हरदगड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अवस्थित। ऑप्शन सी कुलढ़िय, कुलढ़ियटा कोठी अवस्थित ना कुलढ़िय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित। क्लियर क्वेश्चन पचार निम्नलिखित मानक मध्यरु कोउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बालेश्वर रे अवस्थित, आपण माने कहिबे कोन कुलढ़िय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बा पचार दबो बालेश्वर रे केउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अवस्थित ना कुलढ़िय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अवस्थित। क्लियर तेबे चलंतु सांग माने भिडियोटी टिके लंबा हे पारे किंतु बहुत इनफॉर्मेटिव आपण मानक पई कि रहूची। सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व केम इंटू एक्जिस्टेन्स इन ह्विच इयर, देखो क्वेश्चन टी भल भाव में बुझु क्वेश्चन टी कौन कि सिमिलीपाल केबे टाइगर रिजर्व मान्यता मिलला, करेक्ट आंसर कौन है ना ऑप्शन ए 1956 रे टाइगर रिजर्व मान्यता मिलला। ठीक अच्छे बुझिपाले ये आउ कौन एक्स्ट्रा क्वेश्चन सिमिलीपाल तो सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कसन कराई आउ तथा एत कि ना जोटा कि एक्जाम आसला बागिया। ठीक अच्छे तेरे चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, देखु ये आउ गोटे क्वेश्चन रही जाऊँगी सिमिलीपाल केबे यूनेस्को नोट करूँ ये इम्पोर्टाट रोचे सिमिलीपाल केबे यूनेस्को साइट्रे आमर स्थान पाइला। यूनेस्को रो फुल फॉर्म कौन नोट करूँ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होउची यूनेस्को रो फुल फॉर्म। सिमिलीपाल जे कि आम यूनेस्को रे केबे स्थान पाइला कौन कहे सिमिलीपाल यूनेस्को के देख सांग आ गोटे क्वेश्चन बनुची सिमिलीपाल केबे यूनेस्को साइट रे स्थान पाइला, सिमिलीपाल केबे यूनेस्को रे स्थान पाइला कौन कहे सिमिलीपाल केबे यूनेस्को रे स्थान पाइला ना आपण माने कहिबे आमर 2009 रे सिमिलीपाल आमर यूनेस्को रे स्थान पाइला। यूनेस्को रो फुल फॉर्म कौन नोट करूँ मुझे आपको कहूँ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, आउ थरे कहूँ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होउची यूनेस्को रो फुल फॉर्म। से यूनेस्को रे सिमिलीपाल आमर जे कि स्थान पाई 2009 मसीहारे। क्लियर बुझिपाले जदि पचार दबो यूनेस्को केबे सेटअप करा जाइथिला, यूनेस्को केबे सेटअप करा जाइथिला बा स्थापना करा जाइथिला आपण माने कहबे 16 नवंबर 1945 यूनेस्को सेटअप करा जाइथिला एवं आमर ओडिशा रे थिबा सिमिलीपाल नेशनल पार्क बा सिमिलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बा सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व आमर जे कि स्थान पाइथिला 2009 मसीहारे। क्लियर बुझिपाले तेबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेस्टिंग बीच ऑफ ओलिव राइडली सी टर्टल, देखंतु ओलिव राइडली सी टर्टल कथा आसला माने तो आखि बुझिकी आपण माने करेक्ट आंसर करिवे ऑप्शन ए गहिरमथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गहिरमथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होउची आमर वर्ल्ड पूरा वर्ल्ड रो लार्जेस्ट नेस्टिंग सी बीच जोटि की ओलिव लाइटली सी टर्टल देखा जाती। ठीक अच्छे गहिरमथाटा कौटि अवस्थित ना ओडिशा रो केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित। क्लियर क्वेश्चन नंबर 15 रो ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे जदि पचार देखु ओडिशा गवर्नमेंट, ओडिशा गवर्नमेंट आमर केबे डिक्लेयर करथिले आमर एटा को आमर कोटा को ना जो ओलिव लाइटली सी टोटल गहिरमथा रे देखा जांती एटा को गहिरमथा को केबे डिक्लेयर करथिले ओडिशा सरकार जदि पचारिबो गोटे सेंचुरी भाव में ना आपण माने केबे ओडिशा सरकार जे कि 1997 रे डिक्लेयर करथिले। क्लियर बुझि पारुचंती तो ओडिशा सरकार 1997 रे डिक्लेयर करथिले।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो टिके सांग मैंने क्वेश्चन नंबर 16 देखो सांग मैंने कौन कहला आमको महानदी एलिफेंट रिजर्व इज लोकेटेड इन हुच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा ओडिशार क्यों डिस्ट्रिक्ट रे महानदी एलिफेंट रिजर्व टी अवस्थित इमेज देखिपे यहाँ हूँ महानदी एलिफेंट रिजर्व जोटा कि कौ डिस्ट्रिक्ट अच्छी ना ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस जोटा कि अनुगुल कटक नयागढ़ को देखिए टच करी आमर महानदी एलिफेंट रिजर्व टी अवस्थित क्वेश्चन नंबर 16 रो ऑप्शन कौन डी होटी करेक्ट आंसर तेरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखु क्वेश्चन नंबर 17 द मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व इज कंपेयर्ड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ व्हिच देखु क्वेश्चन टी कौन कौन क्वेश्चन नंबर 17 प्रथम देखु एटी क्वेश्चन टी कौच कि मयूरभंज मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व इज कंपेयराइज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया जे कि आमर कौ एरिया को बा कौ एरिया को टच करके आमर मयूरभंज एलिफेंट रिजर्वटा आमर अच्छी कहतु क्वेश्चन नंबर 17 करेक्ट आंसर कौन है ना ऑप्शन डी ऑल ऑफ द हेब गोटी हूँ हरदगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोटे शिमिलीपाल टाइगर रिजर्व गोटे हूँ कूलडीह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरदगढ़टा कौटी ना केन्दुझर शिमिलीपाटा कौटी ना मयूरभंज रे कूलडीह कौटी ना बालेश्वर रे ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 17 रो ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर क्लियर तेरे क्वेश्चन नंबर 18 देखु भितरकनिका मैंग्रोव वाज डेजिग्नेटेड हाज रामसर साइट इन ह्विच इयर केउं वर्ष भितरकनिका आमर गोटे रामसर साइट रे स्थान पाइला ना आपमन केबे ऑप्शन डी 2002 रे स्थान पाइला ये होची आमर भितरकनिका नेशनल पार्क ऑलरेडी भितरकनिका नेशनल पार्क उपरे बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कशन करे दैछि वर्तमान आउ किछि तार एक्स्ट्रा क्वेश्चन आमे डिस्कशन करबानी डायरेक्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 19 देखंतु शिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व वाज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इंडिया इन ह्विच इयर केउं वर्ष शिमिलीपाल को बायोस्फीयर रिजर्व बोली कोट किए ना भारत सरकार डिक्लेयर करले क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट आंसर कौन है ना ऑप्शन सी 1994 1994 शिमिलीपाल को गोटे बायोस्फीयर रिजर्व बोली डिक्लेयर करले किए ना इंडिया सरकार भारत सरकार क्लियर केबे ना ऑप्शन सी 1994 रे ठीक अछि एवं देखंतु इंडिया सरकार अमर सॉरी इंडिया सरकार भारत सरकार भारत सरकार डिक्लेयर कले 1994 रे किंतु ओडिशा सरकार ऑलरेडी डिक्लेयर कर देथिले गोटे नोटिफाइड एरिया हिसाब रे 1956 1956 मसीह रे ओडिशा सरकार जे कि अमर नोटिफाइड कर देथिले किंतु 1994 रे भारत सरकार कले जदि आपन को ओडिशा सरकार कथा पचारिबो त आपन माने करिवे 1956 क्वेश्चन नंबर 20 देखंतु With reference to Nandankanan Zoological Park, the word Nandankanan literally means. देखंतु क्वेश्चन टी कौन कहला ना जो Nandankanan Zoological Park अच्छी से मध्यरु Nandankanan रो माने कौन The word of Nandankanan. Nandankanan रो मीनिंग कौन ना आपण माने कहिबे ऑप्शन सी जहाँ को आम कही पारिबा Garden of Pleasure. Nandankanan रो मीनिंग हेउची Garden of Pleasure. क्लियर क्वेश्चन नंबर 20 रो ऑप्शन सी हो जीवो ठीक करेक्ट आंसर जदि पचारिबो नंदनकानन केबे प्रतिष्ठा करा जाइतिला तो आपण माने कहिबे 1960 रे नंदनकानन प्रतिष्ठा करा जाइतिला किंतु पब्लिक मानक पई कि नंदनकानन केबे ओपन करा जाइतिला ना 1979 रे पब्लिक मानक पई कि नंदनकानन ओपन करा जाइतिला किंतु प्रतिष्ठा करा जाइतिला 1960 मसीह रे क्लियर बुझी पाइले तो तापर एडी देखंतु जदि पचारिबो नंदनकानन केबे जहाँ को आम कह नंदनकानन केबे डब्ल्यू ए जेड ए वाजारे आमर कौन ना आमर जे कि जॉइन होइथिला वाजार फुल फॉर्म कौन नोट करंतु जॉइन जे कि कहिबा वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू ऑफ एक्वेरियम कौन कहली ना आमर वर्ल्ड नोट करंतु वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू ऑफ एक्वेरियम हेउची वाजार फुल फॉर्म जे कि नंदनकानन केबे वाजारे जे कि जॉइन होइथिला ना आपण माने कहिबे 2009 मसीह रे नंदनकानन जे कि जॉइन होइथिला वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू ऑफ एक्वेरियम रे क्लियर तेबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 21
हुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अल्सो टाइगर रिजर्व ओडिशा। निम्नलिखित मानक मध्य क्यों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों वन्यजंतु अभयारण्य आमर जे कि टाइगर रिजर्व सी गोटे अटे। करेक्ट आंसर कौन कहे ना ऑप्शन सी जोटा कि आम कौन कह टाइगर रिजर्व ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू। वन देखूँ सातकोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और शिमिलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दुईट जाक जे कि आम टाइगर रिजर्व गंती। 22 देखु ओडिशा वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओडिशा केम इनटू एक्जिस्टेंस इन व्हिच ईयर। देखु ओडिशा वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन केबे एक्जिस्टेंस करा गला। करेक्ट आंसर कौन है ना ऑप्शन बी 1974 रे एक्जिस्टेंस करा गला। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 देखु जे कि आज आम कहीपर शेष प्रश्न। क्वेश्चन टी कौन रामतीर्थ कंजर्वेशन सेंटर इन ओडिशा रन्स ए कंजर्वेशन प्रोग्राम फॉर प्रोटेक्टिंग व्हिच एंडेंजर्ड स्पेसीज। देखु क्वेश्चन टी कौन रामतीर्थ कंजर्वेशन जो रहिला ओडिशा रे सेटा आमर केउ एनिमल मानंकु प्रोटेक्ट करुची प्रोटेक्ट पाई कि रामतीर्थ कंजर्वेशन सेंटर टाकू करा जाइथिला ना आपण माने कहिबे ऑप्शन डी क्रोकोडाइल। ठीक अछि क्रोकोडाइल को बातांकर सुरक्षा देवा निमन्ते रामतीर्थ कंजर्वेशन टाकू आमर ओडिशा रे सेटअप करा जाइथिला। क्लियर बुझी पाइले केबे स्टार्ट करा जाइथिला रामतीर्थ कंजर्वेशन को जदि पचारिबो ना आपण माने कहिबे 1979 रे रामतीर्थ कंजर्वेशन को स्टार्ट करा जाइथिला। क्लियर सांग माने एटी किछ आपनकु एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहूँ आपण माने नोट करूँ आज वीडियो टी आमर तो 23 क्वेश्चन थिला आज आम सारी देले आमर ओडिशार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिते अच्छी सबू आज आम कंप्लीट करदे। वर्तमान किसी इंपोर्टेंट पॉइंट कहूँ नोट करूँ जदि पचार कलरापथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौटी अच्छी ना आपण माने कहे कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट कलरापथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अच्छी। तापर को पचार जदि कपिलास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौटी अच्छी कपिलास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना आपण माने कहे ढेंकानाल रे कपिलास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अच्छी। कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौटी अच्छी कोठागढ़ ना आपण माने कहे कंधमाल कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अच्छी एवं कलरापथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कलाहांडी अच्छी जमा भी कन्फ्यूज हेनी। तापर देखु हरदगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौटी अच्छी ना आपण माने कहे केन्दुझर डिस्ट्रिक्ट अच्छी। देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौटी अच्छी ना आमर बरगढ़ रे देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अच्छी। सांग मैंने आज आम जो क्वेश्चन डिस्कसन कले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बहुत इंपोर्टेंट रहुची। वीडियो को आप शेष पर्यंत देखु जदि वीडियोटी आपण मानक भल लगुच तेब चैनल को सब्सक्राइब करके सांगसाथी वीडियोटी को शेयर करूँ। PDF जमा भी टेनसन निपने न्यू टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जातु जहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अवेलेबल अच्छी जोटी की जाकि आराम से PDF पाइपर एवं डेली करेंट अफेयर क्वेश्चन पाइपर। ठीक अच्छे तो मुझ बहुत जल्दी आपण मानी नेक्स्ट वीडियो नहीं आऊँगी। जय जगन्नाथ महाप्रभु।